नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं? आज हम एक कहानी सुनाने वाले हैं। आज हम एक कहानी सुनाने वाले हैं कि आखिर सुंदर कौन होता है? सबसे सुंदर दुनिया में कौन है? सबसे दुनिया में कौन सुंदर है? एक गांव था, समुद्र के किनारे, और वहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने आते थे। वहाँ पे एक आदिश नाम का एक लड़का रहता था। उस समुद्र के किनारे में लहरों के बीच में कूद जाता था और वहाँ से अच्छा सीप और मोतिया निकालता था और उसे बेचता था और अपना जीविका चलाता था। वहीं पे एक और लड़की थी रोशनी नाम की। उसके पापा नहीं थे, मम्मी थी। वो काफी काली कलुठी थी। और वो दोनों मिलकर जाते थे समुद्र में लहरों के बीच कूदते थे और वहाँ से सिप निकालते थे और मोतिया निकालते थे। दोनों एक दूसरे के दोस्ती थे। बहुत दिनों से दोनों साथ में काम करते थे और अपना जीविका चलाते थे और जो आदिश था उसके पापा बहुत अच्छे कलाकार थे और वो सुंदर मोतिया के खिलौने बना देते थे और बनाकर बेचते थे। चूंकि वो समुद्र एरिया था तो वहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने आते थे। वहीं पे एक बहुत बड़ी घर की लड़की आई जिसका नाम अनाया थी। अनाया जब आई वहाँ पे वो बहुत सुंदर और खूबसूरत थी और उसके पास बहुत सारे पैसे थे बहुत ज्यादा। जब वहाँ पे आया तो उसे लोग देखने लगे लेकिन अनाया देख करके आदिश को कि इतने लहरों में एक कैसे कूद जाता था इसको डर नहीं लगता है। फिर अनाया ये देख करके आदिश से बोली कि हमसे दोस्ती करोगे हमें भी सिखाओगे लेकिन अनाया डरती थी वो नहीं जाती थी समुद्र के किनारे नहीं जाती थी और कनक और आदिश दोनों समुद्र में कूद जाती थी और वहाँ से मोतिया निकालती थी
किधर कर थी ये देख करके अनाया बहुत ही आश्चर्य करता था करती थी एक दिन जब आदिश देखा कि उसके पापा जो कलाकार थे बहुत सुंदर चिड़िया बना रही है। फिर आदिश ने पूछा पापा ये क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? फिर आदिश के पापा बोले एक सुंदर लड़की जिसका नाम अनाया है उसका जन्मदिन है बर्थडे है उसी में देने के लिए बना रहे हैं। आदिश बहुत खुश हुआ लेकिन एक दिन जब भी अनाया आदिश को और रोशनी को एक साथ देखती थी बहुत गुस्सा हो जाती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आदिश से रोशनी बात करे। फिर एक दिन ये बात बताने के लिए आदिश अनाया के पास गई और अनाया से बोली क्या तुम्हारा बर्थडे है? कैसे बैठो बेटा, फिर ऐसे कहा करिए, तुम्हारा बर्थडे है। तो अनाया बोली किसने बताया? आदिश बोला कि मेरे पापा ने बताए हैं और दोनों समुद्र के किनारे इसी तरह से बात करते हुए एक छोटी चट्टान के पास चली गई। अनाया और आदिश दोनों बात कर रहा था। तभी उधर से जो लड़की थी रोशनी बुलाई कि इधर आ जाओ इस चट्टान के पास आ जाओ। तब आदिश बोला नहीं, वहाँ अनाया नहीं जा सकती है इसे तैरने नहीं आता है। फिर अनाया सोची कि जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती फिर अनाया समुद्र में कूद गई आदिश भी समुद्र में कूद गया और जहाँ पे रोशनी थी वहाँ जाने की कोशिश करने लगी लेकिन समुद्र की लहरें बहुत जोर से आया और अनाया को समुद्र में खींच कर चल गया। तभी अनाया चिल्लाने लगी बचाओ। और आदिश भी कहीं गहरे समुद्र में फंस गया। वहाँ पे आदिश अपना ही जान नहीं बचा पा रहा था तो फिर अनाया को कैसे बचाती। तभी रोशनी समुद्र में कूदी और अनाया को खींचते हुए समुद्र के किनारे ले गई
और फिर कुदी और अदीश को भी समुद्र के किनारे ले गई और दोनों को बचा ली। फिर दोनों का जान बच गया और अदीश का और अनाया का बर्थडे के दिन आ गए। सभी को इनवाइट किया गया, बुलाया गया और वहाँ पे अनाया को वो सुंदर चिड़िया का भेंट दिया गया। ये देखकर अनाया बहुत खुश हुई और फिर सभी को खाना खिलाया गया केक काटा गया तभी अनाया धीरे धीरे रोशनी के पास गई और सुंदर चिड़िया को उस रोशनी को दे दी और कही इसका हकदार तुम हो सबसे सुंदर सबसे अच्छी लड़की तुम हो हम हमेशा तुमसे नफरत करते थे लेकिन तब भी तुमने मेरा जान बचाया। तो दोस्तों इस कहानी से क्या सीख मिला? कि सबसे सुंदर कौन मिलता है खूबसूरती सुंदर नहीं होता है, ज्ञान बुद्धि और अपना गुण जो सबके लिए अच्छा सोचता है वो सबसे सुंदर होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।